हेलो ट्रेडर, वंस अगेन इन अ न्यू वीडियो। ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कोविड-19 का जो अभी टाइम फ्रेम चल रहा है, उसमें बेस्ट स्टॉक में निवेश कैसे करें। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जिनके कमेंट्स मैंने देखे हैं कि अभी की सिचुएशन में अभी अगर हम लॉन्ग टर्म जाना चाहें तो कौन से स्टॉक बेस्ट रहेंगे, ये उनकी क्वेरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्टेड स्टॉक, 7 स्टॉक को सेलेक्ट किया है, जिसको अगर आप बारीकी से देख लें तो शायद ये स्टॉक आप समझ पाएँ। और ये मेरे एनालिसिशन के हिसाब से ये बताता है कि ये स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हैं अभी के मार्केट में। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 ये स्टॉक अभी थोड़े नीचे आ गए हैं, लेकिन जैसे ही ये सब क्लियर हो जाएगा ये स्टॉक अपना अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे और आपके पैसों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, फटाफट हम स्टॉक की बातें कर लेते हैं कि कौन से वो 7 स्टॉक हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 7 टैब खोल के रखे हैं, 7 स्टॉक मैंने खोल के रखे हैं ताकि बफरिंग में भी आपका टाइम मैं ज़्यादा ना लूँ। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की, जो है हमारा मैरिको लिमिटेड। ठीक है, बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल है इसका, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करो इसका तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये निवेश के लिए, और कई बड़े निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं इस टाइम में। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 293.95। अगर देखें इसका 52 वीक हाई एंड लो, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि स्टॉक की ताकत क्या है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक का पीई भी देख लीजिए आप, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है 30.91 है, जो कि उसके इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है, तो मुकाबले में है, प्लस थोड़ा कम है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ये स्टॉक सस्ता है। चलिए इसके हम देख लेते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में, और डेट वाइज ये कंपनी देख सकते हो, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया आपको, इस कंपनी पे डेट नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है अगर आप इसमें निवेश करें। साथ ही आपको बता दूँ कि हर साल इसने अपना डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो डिविडेंड वाइज भी अच्छी कंपनी है, अगर आप 1-2 साल या 3 साल के लिए इसमें निवेश करते हैं तो डिविडेंड और बोनस जो आपको मिलता है 1:1 और 2:1 भी इसमें एक बार बोनस आया है, तो उस टाइप से अगर आप इसमें बोनस वाइज भी देखें तो आपके जो स्टॉक लोगे उसमें भी ग्रोथ हो सकती है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है निवेश के लिए, अच्छी प्राइस में मिल रहा है, तो ये फर्स्ट स्टॉक हुआ। बढ़ते हैं सेकंड स्टॉक की ओर। चलिए, अपना सेकंड स्टॉक जो है वो है HDFC बैंक लिमिटेड। ओके, और देख सकते हैं इसकी प्राइस जो है 922.10, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले 24 मार्च को 738 तक पहुंच गया था, बिकॉज ऑफ स्टॉक अभी जो मार्केट गिरा था उस सिचुएशन में ये थोड़ा बहुत नीचे आया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को रिकवर किया है और अभी आ गया है 922। अभी भी आपके पास एक प्योर टाइम है, एक मतलब सही टाइम है अगर निवेश करना चाहते हो। इसका जो हाई है वो है 1305। ठीक है, तो अगर आप इसमें भी निवेश करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लाइक स्टॉक है, मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो इनके क्वार्टर रिजल्ट्स। ओके, साथ ही आप इनके ये देख सकते हो कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड जो है, देख लीजिए ये डिविडेंड देख लीजिए 2018 का ₹13 पर शेयर। अगर आपके पास एक शेयर है तो ₹13, 10 शेयर है तो ₹130, मतलब उस टाइप से इन्होंने दिया। जिसके पास 1 लाख शेयर हैं ऐसे लोगों को तो पूछो ही मत, ₹13 लाख मिले होंगे। ठीक है, तो ये पावर्स होती है डिविडेंड में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2017 में ₹11 दिए थे, 2020 में ₹15 दिए थे डिविडेंड पे, सॉरी 2019 में ₹15, तो बहुत अच्छा है। प्रमोटर प्लेस डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे भी डेट फ्री कंपनी है और बहुत अच्छी मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन स्टॉक मार्केट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। अपना नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। ठीक है, कई लोग इसमें बता रहे हैं कि ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में ये स्टॉक ठीक ठाक है अभी भी अगर आप निवेश करें तो।
52 वीक लो देख सकते हैं, हाई 239 इसका 52 वीक हाई है, जो कि 22 अप्रैल 2019 को गया था, और सबसे कम ये 63 रुपीज़ है। अभी इसका प्राइस 74 है, 10 रुपये ऊपर गया है अपने 52 वीक लो से। ठीक है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूँ तो इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं ग्रोथ में ही है, ठीक है, लेकिन इसकी नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में चल रही है। ठीक है, टोटल इनकम इसकी ग्रोथ में है लेकिन नेट प्रॉफिट माइनस में चल रही है, बट वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस स्टॉक बिकॉज कंपनी अच्छी है, डिविडेंड भी दे रही है। ठीक है, प्राइस कम है और हम बोल नहीं सकते ये कब कितना बढ़ जाए। इसका थोड़ा जो शेयर है वो 3.95% जो है वो मतलब गिरवी रख के उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन ये अगर 25% से कम है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये तो नियरली 4% के आसपास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, कंपनी अच्छी है, ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरी नज़र में ये पॉजिटिव कंपनी है। बढ़ते हैं चौथे स्टॉक की ओर, जिसका नाम है, तो आ गए हम चौथे स्टॉक पे जिसका नाम है ITC लिमिटेड। बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये भी, और फिलहाल ये थोड़ा वीक हो गया है, जैसे कि आप 52 वीक हाई देख सकते हो, 310 थे और लो 134 है। 134 जो 13 अप्रैल को गिरा था उसके बाद ये चढ़ता हुआ 184 तक आ चुका है, और भी ये ऊपर जाने की संभावना है। इसका कंपनी इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा देता हूँ, क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए आप। प्लस अगर हम बात करें इस स्टॉक में प्रमोटर प्लेस डिटेल, अगर हम देख लें प्लेस डिटेल अगर देख लें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है ITC लिमिटेड, बहुत लोग पसंद करते हैं इसको, तो ये भी मेरे एक पोर्टफोलियो का हिस्सा है। जितने भी स्टॉक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हैं उन्होंने तो मेरा पोर्टफोलियो देखे हुए हैं, उनको पता है मेरे ये बेहतरीन स्टॉक है जो मैं आपके सामने आज शेयर कर रहा हूँ। पढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। ओके, ये नेक्स्ट स्टॉक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक का नाम है विप्रो लिमिटेड। 196.60 चल रहा है। ओके, 52 वीक हाई लो देख लीजिए आप, 301 हाई गया था, 159 जो है वो 19 मार्च तक गया था लास्ट, उसके बाद फिर चढ़ते चढ़ते ये 196 तक आ पहुँचा है। ओके, कंपनी में स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने की, बिलीव करता हूँ मैं इस कंपनी पे, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड देख लीजिए, इसने जनवरी में ही दिया था, 24 जनवरी को 1 रुपये पर शेयर पे बायबैक किया था इसने, बोनस भी दिया था उसने 1:3 इन मार्च 2019, और 19 में भी डिविडेंड दिया था। तो बहुत अच्छी कंपनी है, डेट इसकी देख सकते हो 0 है, ये बहुत ही अच्छा उसका क्लोज बनता है, तो बेहतरीन कंपनी है निवेश करने के लिए। आगे ही मैं इन सब स्टॉक को कैसे निवेश करना है उसकी एक एक्सेल शीट में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको बहुत ही फायदा देगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, तो अगला स्टॉक है हमारा SBI कार्ड जो 539 है। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है अभी के टाइम में निवेश करने के लिए, क्योंकि ये आगे बहुत बढ़ सकता है। इसका जो IPO था, जिन्होंने IPO का मतलब IPO में अपना पैसा डाला होगा वो लोग तो शायद अभी लॉस में होंगे, लेकिन IPO का जो था वो इस पे खुला था, आप देख सकते हो जो इसका हाई है वही इसका IPO प्राइस है। ठीक है, IPO खुला था कुछ 680 के आसपास, 600 के ऊपर ही खुला था, और फिर ये चढ़ता हुआ यहाँ तक गया था 769 तक, फिर ये मार्केट क्राइसिस के चक्कर में ये फिर से गिर गया 575, और अभी ये चढ़ता हुआ 593 भी आ गया है। इट्स राइट टाइम टू बाय, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, बहुत अच्छा स्टॉक है, नया नया लिस्टेड हुआ है मार्केट में, और इसमें तो हम कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये रिसेंटली जो है वो मार्केट में लिस्ट हुआ है, तो कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टॉक है जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं। और हमारा अगला और लास्ट स्टॉक जो है वो है इसी से रिलेटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका प्राइस देख सकते हैं ठीक ठाक है, आप अच्छा पैसा डाल सकते हैं इसमें, हाई एंड लो देख लीजिए। ओके, कंपनी इन्फॉर्मेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ इनके, आप देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स, प्लस आप देख सकते हैं इनके
जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो डिविडेंड 2.60 2.60 16-17 में दिया, 15 में दिया 3.50, ठीक है। यहाँ पे एक स्प्लिटिंग भी हुई थी 2014 में, लेकिन अब हो सकती है इन फ्यूचर 2020 में हम, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये देने वाली कंपनी है, लोन लेने वाली नहीं, ठीक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो मैंने ये जो स्टॉक बताए हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए बताए हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, जो अपना पैसा अभी नया नया मार्केट में आए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक मैंने एक्सेल शीट रख ली है अब, और इसमें ये जो स्टॉक मैंने जो आपको बताए हैं वो सभी लिस्टेड है 1-7, आप देख सकते हैं ये पूरे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैरिको लिमिटेड, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, ITC, विप्रो, SBI कार्ड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनकी जो ये है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है जो आपके सामने दिख रही है, और हमने यहाँ पे 1,00,000 रुपये का कैपिटल लिया है। अगर आप 1,00,000 रुपये के साथ इस टाइम में मार्केट में आते हैं तो आप इस तरह अपने पैसों को लगा सकते हैं इन स्टॉक को। मैंने यहाँ पे अच्छे स्टॉक और कम पोटेंशियल रखने वाले स्टॉक का जो है वो उसके वेटेज के हिसाब से स्टॉक क्वांटिटी को तय किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ITC लिमिटेड को मैंने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया HDFC बैंक को और विप्रो लिमिटेड को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है मैरिको, उसके बाद जो आते हैं वो ये दोनों, टाटा मोटर्स एंड SBI कार्ड। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने स्टॉक को ऐसे बांटा है, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो ताकत है आगे बढ़ने की उसके हिसाब से मैंने स्टॉक को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में रखा है। तो अगर आप 1,00,000 रुपीज़ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे स्टॉक को चूज़ करके आपके पोर्टफोलियो को रख सकते हैं जो आने वाले 6-7 महीने में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न विथ 12-25% ग्रोथ, ये मैं बता दूँ 12-25% ग्रोथ देके ही जाएंगे ये स्टॉक। इतने अच्छे फाइनेंशियल वाले हैं और बहुत ही मतलब पोटेंशियल रखते हैं आगे बढ़ने का ये पूरे स्टॉक, ठीक है। तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चालू करते हैं 10,000 से, यदि मान लो अगर आपके पास कम पैसा है, 1,00,000 नहीं है, 10,000 से चालू करते हैं तो आप ऐसे निवेश कर सकते हैं स्टॉक को, ठीक है। लाइक क्वांटिटी कम कर दीजिए, 4-4-3-5-3 ऐसे क्वांटिटी आप आइडिया लगा लीजिए आपके हिसाब से, जितना आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आप पैसे को लाइक डिवाइड कर दीजिए अलग अलग स्टॉक में, और फिर एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है सिर्फ COVID-19 के लिए नहीं है। अगर आप COVID-19 के सिचुएशन अभी अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं आफ्टर COVID-19 तब भी ये स्टॉक बेहतरीन है। अगर ये इस प्राइस रेंज में चल रहे हैं 20-25 रुपये ऊपर नीचे तो आप अभी भी इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। आज के दिन में मैं 2 वीडियो और अपलोड करूँगा जो बहुत ही खास होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप यहाँ पर नए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नई नई वीडियो आती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।